वही छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में 5 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका, जहां पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण अमानवीय ऐसा बर्ताव किया। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रमुख रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने कहा कि उक्त पुलिसकर्मी जो है भाजपा के इशारे पर चलते हैं, इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। बता दें कि 5 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस जो है लगातार आक्रमण रूप ले रही है। महिला तथा जो भी लोग हैं उनकी भावनाओं को बड़ी आहत हुई, जिस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश एवं जनता में आक्रोश का माहौल दिख रहा है। पुलिस ने जो है लाठीचार्ज करने से एवं बर्बरता करने से कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ उक्टे तथा कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष किरण चौधरी ने इस घटना का विरोध किया। लेनी पड़ी है पुलिस को, भीड़ को तितर बितर करने के लिए क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह का हिंसक प्रदर्शन? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि पुलिस प्रशासन पूरा खरीदा हुआ है, क्योंकि कल जब कमलनाथ जी का पुतला जला जा रहा था तो ये पुलिस प्रशासन गुमशुदा हो गई थी। ये एक भी पुलिस प्रशासन नहीं नजर आया था और इन्होंने खुलम खुला पुतला जलाने दिया। लेकिन आज जब एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया गया था और आज ये कांग्रेस परिवार, यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस पूरी टीम यहाँ पर जब सामने आई, जबकि एक के ऊपर ये आंदोलन किया जा रहा था, तो भाजपा के नेताओं ने अपने गुंडे पुलिस वालों को यहाँ पर भेज दिया और पानी की बरसात करके इसे रोका गया। लेकिन हम रुकने नहीं देंगे। मैं स्वयं एक महिला हूँ, मैं महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे ऊपर लाठी चलाई गई, मुझे ये निशान है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। दोषियों पर कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन स्वयं आगे जाके गिरफ्तार करे और उनका सहयोग ना किया जाए और दोनों को एक जैसी घटनाओं का 376 यानी 376 बताइए, अगर आंदोलन नहीं होता कि मांगे अगर तो क्या करेगी महिला? एक एक महिला अपने घर के सामने शिवराज सिंह और मोदी का पुतला जलाएंगे, एक एक यूथ पुतला जलाएगा, एक एक एनयूसीआई पुतला जलाएगा, एक एक सेवा दल पुतला जलाएगा, एक एक हमारे साथ ये कॉलेज की बच्चियां है, ये रेशमा खान अपनी टीम के साथ में एक एक बच्चियों के साथ में पुतला जलाएगी, क्योंकि ये बच्ची के साथ में एक दुराचार किया गया है। मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करती हूँ, मध्य प्रदेश शासन से मांग करती हूँ कि वो इन आरोपियों को स्वयं तुरंत फांसी की सजा दी जाए।